अकोला येथे शासकीय रुग्णालयात भोंगळ कारभार चालू असल्याचे निदर्शनास आले आहे। एक व्यक्ति संशयित म्हणून त्या रुग्णालयात 25 तारखेला दाखल झाली होती। त्याचे स्वॅब 27 तारखेला घेऊन तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असल्याचे त्याने सांगितले। त्या व्यक्तीचे अहवाल रिपोर्ट निगेटिव पडले होते, पण त्यांनी अहवालाबाबत वारंवार विचारणा केल्यावरही तेथील डॉक्टरांनी टाळाटाळ केली। त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांच्यावर रिपोर्टसाठी दबाव आणला तर त्यांनी अहवाल पॉझिटिव्ह असल्याचे सांगितले। असं जर इथे होत असेल तर कोणी उपचारासाठी येईल का? अशा प्रकारामुळे ज्या लोकांना कोरोनाची लागण नसते त्यांना सुद्धा लागण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। हा रुग्णालयाचा बेजबाबदारपणाच म्हणावा लागेल। आज हा प्रकार उघडकीस आला आहे असे आणखी किती होत असेल यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे। 25 तारीख को यहाँ पे आया था दोपहर में, तो ये मेरे को ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ तो लगा नहीं कि भाई चलो कोरोना है या पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाला है या ऐसा कुछ तो मतलब मालूम नहीं था। तो इन्होंने 27 तारीख को मेरा वो टेस्ट निकाले थे और 27-28 तारीख को मेरा रिपोर्ट यहाँ पे आ गया। आने के बाद भी मैं इन्होंने मेरे को अभी तक कुछ बताया ही नहीं कि तुम्हारा भाई पॉजिटिव रिपोर्ट है या पॉजिटिव आया हुआ है तुम्हारा रिपोर्ट। मैं कल भी गए हैं मैडम को पूछने के लिए, तो मैडम बोले कि तुमको बोले डीन ऑफिस में जाना पड़ेगा बोले रिपोर्ट निकालने के लिए। तो फिर मैंने कल हमारे साले साहब को बताया, तो वो आज आए सवेरे, आज भी सवेरे उनको फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के बाद में वो आज आए, आने के बाद उन्होंने पूछे तो बोले रिपोर्ट यहाँ आई नहीं बोले। तो फिर उन्होंने वहाँ थोड़ा दो तीन बातें सुनाए उनको, तो उन्होंने फिर देखे कि रिपोर्ट तो यहाँ पर पड़ा है इनके पास में। अब रिपोर्ट जब यहाँ पड़ा है तो वो बोलते कि पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव होने के बाद में इन्होंने अभी तक मेरे को पॉजिटिव वार्ड में डाला नहीं। वर्षा मोरे, विदर्भ न्यूज़, अकोला।